हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे कई बार आपको सिखाया है कि कैसे हम एलोवेरा की ग्रोथ को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब एलोवेरा की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब भी हमारे सामने एक दिक्कत आती है। आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एलोवेरा का पौधा काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाने के कारण एक तरफ झुक गया है और इसकी जड़ें भी पॉट से बाहर आने लगी हैं। अगर हमने इसे जल्दी ही ठीक नहीं किया तो हमारा पौधा नीचे की तरफ से सूखने लगेगा और बहुत ही जल्दी पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, हम सबसे पहले मिट्टी को भुरभुरा कर लेंगे और फिर आराम से अपने पौधे को बाहर निकाल लेंगे। यह हमारे पॉट में जो सॉइल हमने यूज करी है वो काफी ड्राई सॉइल है और इसमें हमने कोई भी ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं मिलाया है। तो सबसे पहले हम अपनी इस मिट्टी में सुधार करेंगे। आप इसमें 30% वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे इस पौधे की जड़ें भी बहुत छोटी हैं, क्योंकि हमने इस पौधे को काफ़ी तेज स्पीड में बड़ा किया था, इसीलिए इसकी जड़ें अभी उतनी डेवलप नहीं हो पाई हैं। इसीलिए हमें अपने पौधे को नीचे से सपोर्ट देना होगा। यहाँ पॉट में नीचे हमने कुछ खाद डाली और उसके ऊपर किचन वेस्ट के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए हैं और फिर हम अपना प्लांट रखेंगे और इसके ऊपर हम अपना पॉटिंग मिक्स डालेंगे। दोस्तों, हमें अपने पौधे को एकदम पॉट के नीचे की तरफ रखना है और मिट्टी डालने के बाद उसे बीच बीच में दबाते भी रहना है। इस तरह से हमारे पौधे को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है और वो एक तरफ को गिरता नहीं है। और अगर आप चाहें तो ऊपर की तरफ छोटे पत्थर या पेबल्स भी रख सकते हैं, इससे भी हमारे प्लांट को काफी सपोर्ट मिलता है। और मिट्टी भी आप अपने पॉट की कैपेसिटी से थोड़ी ज्यादा डालें। दोस्तों, इस सब के बाद आपको बस एक लास्ट चीज का ध्यान रखना है। जब भी आप अपने एलोवेरा के पौधे को पानी दें तो उसे बहुत तेज प्रेशर से ना दें और पानी तब तक डालें जब तक वो पॉट के नीचे से निकलने ना लगे, यानी पूरे पॉट में जब तक पानी ना पहुंच जाए। अगर आपने ये सब कर दिया तो आपका पौधा कभी भी अपरूट नहीं होगा और जितनी चाहे उतनी ग्रोथ आप उसकी करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।